हेलो एंड वेलकम टू पैनियर एकेडमी बखड़ी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैनियर एकेडमी बखड़ी में। तो आज हम लोग बहुत दिन बाद फिर से जो है मैथ का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीच में कुछ दिन जो है मैंने ऑनलाइन क्लास लेना जो है बंद कर रखा था, इस असुविधा के लिए खेद है। आज हम लोग फिर से जो है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ जो है हम लोग इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर तक हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 को। इस 2.2 में जो प्रॉब्लम होगा सबको हम जो है बारी बारी से एक एक करके सब प्रॉब्लम को जो है क्लियर करेंगे और जो है इससे रिलेटेड और जो कुछ भी कॉन्सेप्ट बचा होगा उसको हम लोग प्रॉब्लम के साथ ही डिस्कस भी कर लिया करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें है 3 sin inverse x = sin inverse 3x - 4x³। ये इसका डोमेन दिया गया है कि x का वैल्यू जो है -1/2 to 1/2 तक ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसको हमें प्रूफ करना है। ऐसे ये एज लाइक फार्मूला है और इस फार्मूला के हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे, फार्मूला प्रूफ कर रहे थे, तो उसमें ये फार्मूला ऑलरेडी प्रूफ किया जा चुका है फर्स्ट और सेकेंड नंबर दोनों। फिर से हम लोग इसको एक बार और प्रूफ कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला लगाना होगा साइन 3x का। तो आप लोगों को फार्मूला लिस्ट हमने ऑलरेडी सबमिट कर रखा है, सबके व्हाट्सएप पर भी होगा, इसके अलावा सबको PDF मैंने 2-3 बार करके जो है अवेलेबल करवाया था, आप लोग कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे। तो साइन 3x का फार्मूला होता है 3 sin x - 4 sin 3x। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे sin 3x का, 3 sin x - 4 sin 3x। जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड जो है इसमें cos 3x का फार्मूला अप्लाई करेंगे, cos 3x का फार्मूला क्या होता है, तो 4 cos qx - 3 cos x। तो इस तरह से sin 3x और cos 3x का जब फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से हम लोग RHS में चलेंगे। इसमें जो है फर्स्ट प्रॉब्लम में 3 sin inverse x = sin inverse 3x - 4x³ है। यहाँ पर जो है RHS में x के बदले sin थीटा पुट कर देंगे। जब x के बदले sin थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 sin θ - 4 sin³θ। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा sin 3θ का। तो sin inverse sin 3θ, वहाँ से जो है 3θ बच जाएगा और थीटा के बदले sin inverse x। आसानी से आप लोग इसको, आई होप आप लोग इसको सॉल्व भी कर लिए होंगे। मैंने पहले ही बता रखा था कि जो जो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है आप लोग सॉल्व कर लें। तो आज हम लोग जो है जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक के प्रॉब्लम को, इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आप लोग जो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं और एक्सरसाइज के इस प्रॉब्लम में जो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, डाउट है, उसको आप लोग निश्चित तौर से इस वीडियो लेक्चर के कमेंट में कमेंट कर दें, ताकि हमें वैसे प्रॉब्लम का पता चल सके और हम जो है उसको अगले वीडियो लेक्चर में क्लियर कर सकूं। इस टॉपिक से रिलेटेड अदर बुक का भी यदि कोई प्रॉब्लम होता है जिसमें कि आप लोग कुछ डाउट हो, नहीं समझ पा रहे हैं, वैसे प्रॉब्लम को आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अदर कोई भी बुक हो इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप लोग
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको सॉल्व कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम को। जैसा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। आप लोग को पता होगा x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू यदि हम लोग फाइंड करते हैं तो साइन उधर जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब सभी वैल्यू को x के बदले यहाँ पर साइन थीटा रख देते हैं तो हमें क्या आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स, और ये यदि देखा जाए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये ऑलरेडी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 3 थीटा, यहाँ से साइन इनवर्स और साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा, यानी 3 थीटा, 3 और थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। देखिए ये LHS है। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। सेम सेकेंड प्रॉब्लम भी इसी टाइप का। सेकेंड प्रॉब्लम के RHS में क्या है, तो सेकेंड प्रॉब्लम के RHS में है कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इसमें यदि हम लोग पुट कर दें एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 4 और एक्स के बदले कॉस थीटा, तो कॉस 4 कॉस क्यू थीटा, एक्स क्यू है, माइनस 3 कॉस थीटा। यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स, अब ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो कॉस 3 थीटा, यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो थीटा बचेगा 3 थीटा, 3 और थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, ये LHS हो गया। तो इस तरह से सेकेंड प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। रहा है टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। हमें लाना है टेन इनवर्स 1/2। स्पष्ट दिख रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है इसको ये फॉर्मूला यदि अप्लाई कर दे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या है टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। तो देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी 2/11 इंटू 7/24। इस तरह से यदि इसको सॉल्व किया जाए, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू को, इसको मल्टीप्लाई करके फिर वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, वो आसानी से जो है कट के 1/2 आ जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख लेंगे टेन इनवर्स 1/2। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व। अगला चौथा जो प्रॉब्लम है 2 tan inverse 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 31/17। तो यहाँ पर जो है LHS से चलेंगे, 2 tan inverse 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो यहाँ से जब LHS से चलेंगे तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे 2 tan inverse x का, 2 tan inverse x का फॉर्मूला होता है 10 inverse 2x अपॉन 1 - x². ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टेन इनवर्स
वन बाय टू प्लस टेन इनवर्स वन बाय सेवन। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, टेन इनवर्स टू एक्स, तो टू एक्स के बदले वन बाय टू, वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी वन बाय टू का स्क्वायर, ये हो गया। और ये टेन इनवर्स वन बाय सेवन रहने देते हैं। इस तरह से यदि इसको देखें तो ये हो गया टेन इनवर्स वन अपॉन, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री बाय फोर प्लस टेन इनवर्स वन बाय सेवन, इस तरह से फोर बाय थ्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फाइनली टेन इनवर्स फोर बाय थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाय सेवन। तो यहाँ से लिख सकते हैं अगला स्टेप टेन इनवर्स फोर बाय थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाय सेवन। इस तरह से फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएं तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। फिर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा आपको जो है आंसर मिल जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए आप बेल आइकन दबा दें। पाँचवा प्रॉब्लम है टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। इसको हम जो है सिंप्लीफाई करना है, फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है यानी सरल रूप में लाना है। तो इस तरह से सबसे पहले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दिया हुआ है टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें अब ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग को पता होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन रूल में जब इस टाइप का रहता है रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर हमेशा टेन पुट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग एक्स के बदले टेन थीटा पुट करेंगे, वैसे हैंडिकेट भी किया हुआ है तो आप लोग डोमेन से भी देख सकते हैं कि टेन पुट करना है या क्या पुट करना है। वैसे सब्स्टिट्यूशन रूल मैंने बता रखा है, उसमें देख लीजिएगा जिस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है एक्स का वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पर तो हमने पुट करनी है टेन थीटा, एक्स के बदले क्या पुट करनी है टेन थीटा। तो हम लोग लिखते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। जब एक्स के बदले टेन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से जो हमें आ जाएगा टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक्स के बदले माइनस वन अपॉन टेन थीटा। अच्छा रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा इसका हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। इसको अब हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन, अब इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या आएगा, हमें आ जाएगा टेन इनवर्स ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा वन माइनस कॉस अपॉन साइन हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब फिर जो है हमें इसको आगे प्रोसेस में लाना है। तो टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं
टू साइन स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, तो टू साइन थीटा बाय टू और कॉस थीटा बाय टू इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से टू टू कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा क्या, तो बचेगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाय टू अपॉन कॉस थीटा बाय टू, कॉस थीटा बाय टू। तो इस तरह से साइन थीटा बाय टू और कॉस थीटा बाय टू क्या बन जाएगा, टेन थीटा बाय टू, यानी टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू। इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू, टेन इनवर्स टेन कैंसिल, हमें क्या आ जाएगा थीटा बाय टू। अब हम लोग फाइनली लिख सकते हैं थीटा बाय टू के बदले क्या लिख सकते हैं, तो एक बटे टू इंटू थीटा, तो वन बाय टू, और थीटा क्या है, थीटा मैंने पहले ही निकाल रखा है टेन इनवर्स एक्स टेन। इन नंबर प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, छः नंबर में है टेन इनवर्स वन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पर जो है सेक पुट करना है, स्पष्ट ही है यदि हम लोग सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करें तो यहाँ पर देखते हैं इसको कि टेन इनवर्स वन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन का सिंप्लीफाई रूप क्या आता है, अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इस तरह से इसमें कंडीशन लगा हुआ है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पर हमें पुट करना होगा एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू सेक, उधर जाएगा सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। इस तरह से यदि हम यहाँ पर अप्लाई करें तो लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या होगा टेन का, तो वन अपॉन टेन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन टेन एक्स टेन थीटा, वन अपॉन टेन थीटा हो गया, तो टेन इनवर्स वन अपॉन टेन थीटा। इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं टेन इनवर्स, अच्छा वन अपॉन टेन क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, तो कॉट थीटा। तो इस तरह से अब हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स, अच्छा कॉट को क्या लिख सकते हैं टेन पाई बाय टू माइनस थीटा, तो टेन पाई बाय टू माइनस थीटा। तो इस तरह से टेन इनवर्स टेन कैंसिल होकर के क्या बचेगा, तो पाई बाय टू माइनस थीटा, तो पाई बाय टू माइनस थीटा के बदले सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है इसलिए आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, शेष प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग करेंगे क्या कि जितना इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन है सबको आप लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे, आगे भी इसी टाइप का प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व होने वाला है। 14-15 क्वेश्चन टोटल है, यदि टोटल आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो एक से दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा, और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए उसको आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, इससे हमें आपके प्रॉब्लम का पता चल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि जल्दी से जो है चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।